सांसद वाम किशोर से अवगत कराने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं अपने अंदर की शक्ति को पहचान सके। जनपद मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में महिला दिवस पर थाना भोगांव पर महिला समिति के साथ महिलाओं के सुरक्षा सम्मान स्वावलंबन तथा उन्नयन के लिए क्षेत्र अधिकारी अमर बहादुर सिंह और इंस्पेक्टर पहुप सिंह ने नेशनल डिग्री कॉलेज महाविद्यालय में प्राचार्य आशा रानी ने महिला दिवस पर महाविद्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक, महिला उप निरीक्षक, महिला हेल्प डेस्क की कर्मचारी, महिला समिति के सदस्य व कॉलेज की छात्राएं उपस्थित रही। भोगांव से विकास तिवारी की रिपोर्ट। मौके पर थाना भोगांव में जो आयोजन किया गया है, किस तरह का आयोजन है, क्या कुछ संदेश जो आप देना चाहें आज? शासन के दिशा निर्देश पे थाना भोगांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। आप जैसा कि देख रहे हैं, एक हमारी महिला समिति बनी हुई है, उनके सभी अध्यक्ष से लेकर सदस्यगण सभी लोग उपस्थित। बच्चों से, आप सदस्यों से, महिलाओं को कैसे इनका सम्मान मिले, इनका स्वावलंबन हो, सुरक्षा कैसे इनको अच्छी मिले, इस बारे में एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन हो रहा है। इसमें सबके जो विचार हैं उसको आमंत्रित किए जा रहे हैं। सब लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं। इसी के साथ महिला सुरक्षा के संबंध में या महिला सशक्तिकरण में पुलिस अपना क्या योगदान निभा सकती है, उसके बारे में भी गहन मंथन चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। सब लोग मिलके, हर विभाग के लोग इसमें जुड़कर एक अच्छा संदेश देने का काम कर रहे हैं। अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, आगे भी चलाते रहेंगे हम लोग। मिशन शक्ति के तहत किस तरह से महिलाओं को जागरूक किया गया है, विभिन्न हेल्पलाइनों के बारे में बताया भी गया है, आज भी बताया जा रहा है। इस तरह के एक प्रोग्राम आयोजित करके एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं को हर जगह स्थान है, हर जगह सम्मान है, और महिला अपने आप में भी अपना सम्मान बनाने के लिए पूरी तरह सुदृढ़ है। ये बिल्कुल सत्य है कि महिला ही महिला की दुश्मन है, बिल्कुल फैक्ट है ये। इसको कहने में मुझे कतई कुरेज नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भेदभाव की स्थिति है। मैं अपने आप बच्चों में देखती हूँ, बच्चों के लिए माता पिता का व्यवहार दूसरा होता है और बच्चों के लिए दूसरा होता है। अगर घर में बेटी ने जन्म ले लिया तो बड़ा ही मातम छा जाता है। ये ग्रामीण परिवेश की आज भी स्थिति है, शहरों की बात मैं नहीं कर रही। और हमारी जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, उन्हीं को ये अच्छा नहीं लगता, अरे बेटी हो गई, अरे उसके तो दो दो बेटियां हैं, कैसे होगा। लेकिन मैं ये दावे के संग कह सकती हूँ कि जो बच्ची संसार में आती है, जन्म लेती है, वो अपना भाग्य स्वयं लेकर आती है। और आज की जो स्थितियां हैं, हमारी सरकार ने बहुत से इस तरह की योजनाएं चलाई हैं, जिसमें महिलाएं सर्वोपरि हैं, उनके लिए बहुत से सुख साधन सब दिए गए हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, आशा रानी वर्मा जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो आयोजन यहाँ किया गया है नेशनल महाविद्यालय में, इस मौके पर खास क्या हुआ है और आप कुछ कहना चाहें, क्या संदेश देना चाहती हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम एक संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। हालांकि शासन के आदेश से 26 फरवरी से लगातार मिशन शक्ति के अंदर छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए और समाज में स्त्री और पुरुष के बीच समानता रहे, इसके लिए जागरूक करने के लिए कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस अवसर पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्राओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जागरूक करने का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम स्त्री और पुरुष के बीच में कोई झगड़ा चाहते हैं, एक समानता की स्थिति बनी रहे, इसके लिए छात्राओं को जागरूक करना चाहते हैं। और इसके लिए शिक्षा ही सबसे प्रबल माध्यम है। शिक्षित बच्ची ही समाज में
अपनी अधिकारों की रक्षा कर सकती है, परिवार में स्थिति को सुदृढ़ बना सकती है, क्योंकि देखा यह जाता है समाज में स्त्री ही स्त्री को शोषित करती है, कभी सास के रूप में, कभी बहू के रूप में। तो जब स्त्री शिक्षित होगी तभी वह अपने अधिकारों को जान पाएगी, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को जागरूक कर पाएगी और समानता का वातावरण तैयार कर पाएगी। तो समाज में समानता आए, पुरुष भी स्त्रियों को उनका अधिकार दें, उनको समान समझें, ऐसा हम लोग चाहते हैं, इसलिए ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तमाम तरीकों के प्रयास किए जाते हैं जी, विद्यालय के माध्यम से भी, सरकार की तरफ से भी महिलाओं को जागृत। कहाँ पर कुछ आपको ऐसा लगता हो, कहाँ पर कमी आ रही है जिसके चलते अभी भी महिलाओं में इतनी जागरूकता नहीं आ पा रही है? कभी कभी ये प्रयास जो संगोष्ठी, शासन के आदेश से कोई कार्यक्रम करना, ये औपचारिक मात्र होकर रह जाते हैं। आज हमने यहाँ संगोष्ठी आयोजित की, मंच पर जो कुछ भूला गया इस समय तो उनमें कुछ जोश आता है, लेकिन घर जाकर वो उसे भूल जाते हैं। तो इसके लिए केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, सतत एक जागरूकता का प्रयास आवश्यक है और शिक्षा में इस प्रयास को शामिल करना चाहिए। अगर हम औपचारिक रूप से कोई केवल एक मिशन चलाते रहेंगे तो वो उतना सफल नहीं होगा। हम शिक्षक हैं, शिक्षक ही सबसे अधिक इस क्षेत्र में कुछ कर सकता है। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको जब हम जागरूक करेंगे, उनको समझाएंगे, तभी वो इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। मेरा ये